Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Students, today I want to deliver my e-lecture on C language. What is C language? C language एक बहुत ही popular programming language है. For example, Oracle को C language में लिखा गया है. MySQL is also written in C language. Unix operating system is developed in C language. So we can say that it is a very popular programming language. It is not a outdated language. जैसा कि अधिकांश लोग ये कहते हैं कि ये outdated language है C language. ऐसा नहीं है. अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि आजकल की जितनी भी मैक्सिमम प्रोग्रामिंग हो रही है वो सारी सी लैंग्वेज में ही हो रही है. आज के लेक्चर में मैं सी के ऑब्जेक्ट्स लेना चाहूँगा. व्हाई सी लैंग्वेज इज यूज्ड, नंबर टू हिस्ट्री ऑफ सी, एंड नंबर थ्री सैम्पल प्रोग्रामिंग ऑफ सी. सी लैंग्वेज की सीरीज में हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं. चूंकि यह आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए मैं फंडामेंटल बातें ही कवर करना चाहूंगा. तो सबसे पहला आपका अपन लेंगे इट इज अ पॉपुलर प्रोग्राम. व्हाई इट इज अ पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? जैसा कि पहले भी मैंने कहा था आपको कि सारे, जैसा कि ओरेकल है, माई एस क्यू एल है, ये सभी सी में लिखे हुए हैं, एज वेल एज ओएस तक यूनिक्स भी जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है. नेक्स्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तीसरी बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वॉट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज? सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर ये लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को एब्जॉर्ब करके रखता है. इसमें दोनों ही फीचर्स पाए जाते हैं. मींस लो लेवल मींस जिसके अंदर की असेंबली लैंग्वेज आती है और मशीन लैंग्वेज आती है, तो इसके फीचर्स भी सी में पाए जाएंगे, साथ के साथ हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स इसके अंदर पाए जाएंगे, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं. नेक्स्ट चीज है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था. सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रिची ने 1972 के अंदर बेल्स की लेबोरेटरी के अंदर इसका आविष्कार किया था. डेनिस रिची को सी लैंग्वेज का जनक भी कहा जाता है. इसका प्रयोग यूनिक्स ओएस को डेवलप करने के लिए किया गया था. ये बी और बीपीसीएल दोनों जो प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं उनके फीचर्स को इनहेरिट भी करती है. हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग में आगे हम बताएंगे कि सबसे पहले 1960 के अंदर एल्गोल आई थी, 1967 के अंदर बीपीसीएल, 1970 में बी, देन 1972 के अंदर डेनिस रिची ने इस सी का आविष्कार किया था. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं? देर आर मैनी फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. नंबर वन, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल. ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती है सी लैंग्वेज, अपन किसी भी कंप्यूटर पे अपन चला सकते हैं. दूसरा है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मिडिल लेवल लैंग्वेज के बारे में जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि ये लैंग्वेज आपका हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है. देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर टूट के बनी होती है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. नंबर फोर इज रिच लाइब्रेरी. इसकी लाइब्रेरी बहुत ही स्ट्रांग होती है. इसके अंदर बहुत ही मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी में ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस स्टोर होते हैं जिससे बहुत ही इजीली प्रोग्रामिंग हो जाती है. नंबर फाइव इज मेमोरी मैनेजमेंट. ये मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर सकती है. नंबर सिक्स इज फास्ट स्पीड. इसकी स्पीड बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कई गुना फास्ट है. नंबर सेवन पॉइंटर्स. नंबर एट रिकर्शन.
नंबर 9 इज एक्सटेंसिबल, ये सभी पॉइंट्स हम आगे सी के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनके फीचर्स को हम आगे के चैप्टर्स के अंदर कवर करते रहेंगे। द नेक्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। अब जहां तक हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले पढ़िए आप इसको, हैश इंक्लूड stdio.h, मीन्स stdio.h एक हेडर फाइल है जिसके अंतर्गत हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो printf का जो फंक्शन होता है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। देन नेक्स्ट है इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट, conio स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट, get ch फंक्शन जो है वो इसके थ्रू काम में लिया जाता है conio.h। get ch का क्या मीनिंग है, टू होल्ड द स्क्रीन, स्क्रीन को रोके रखना, उसके लिए हम get ch फंक्शन को काम में लेते हैं जो कि इस हेडर फाइल के थ्रू काम में लिया जाता है। void main का मतलब है कि प्रोग्राम का स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं वो मेन फंक्शन आपका इसके अंदर बताया जाता है। और void से मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये void main काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट है printf hello world, ये प्रिंट फंक्शन है जो कि जो चीज हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो का वो आपका प्रिंट हो जाएगा। और get ch जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये कंसोल इनपुट आउटपुट के थ्रू काम में लिया जा रहा है टू होल्ड द स्क्रीन, इसको डिस्क्राइब्ड आगे जैसा कि मैंने किया है आपके लिए, इंक्लूड stdio.h includes द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी functions, printf function इज डिफाइंड इन stdio.h। Then next one is include conio.h, includes the console input output library functions. The get ch function is defined in conio.h. Void main, the main function is the entry point of every program in C language. ये बताता है कि यहाँ से अपना C का program जो है वो शुरू हो गया है। और void क्या काम आता है? The void keyword specify that it returns no value. ये कोई value return नहीं कर रहा है। printf printf function is used to print data on the console. Console पे print करने के लिए हम printf function काम में लेते हैं। get ch, the get ch function asks for a single character or we can say it blocks the screen. जब तक हम कोई भी key को press नहीं करेंगे तब तक screen आपकी वहीं पर ही block रहेगी। अब इसका output क्या आएगा? जैसा कि जो आपने printf के साथ में inverted commas के अंदर दिया है वो इसका output हो। So output of program is hello world. Thank you. Next chapter अपन next class के अंदर लेंगे। Okay.